नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे योगा फॉर नी पेन। नी पेन में हम कौन सी योग आसन कर सकते हैं, नी पेन के कारण क्या होते हैं, घुटनों में दर्द की समस्या क्यों होती है, एक सर्टन एज के बाद वो घुटने में ऐसा क्या होता है कि कार्टिलेज का कम हो जाना, मेनिस्कस टेयर का होना, या फिर वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ से लीड करना, या एक इंजरी का होना, तो घुटने की दर्द की समस्या के लिए हम वो कौन सी योग आसन कर सकते हैं, कैसे हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर ये स्टेज वन पे है तब हम उसको कैसे रिकवरी कर सकते हैं। देखिए, घुटनों की दर्द की समस्या एक बहुत ही गंभीर समस्या है, खासकर उनके लिए जिनका ओवरवेट भी है, क्योंकि ओवरवेट होने से आपका पूरा बॉडी का वेट जो होता है वो घुटने में आता है। तो आज हम जानेंगे वो कौन से आसन है जिससे आपके घुटने को मजबूती मिलती है, साथ में मैं आपको वो मसाज करने का ऑयल भी बताऊंगा कि वो कौन से ऑयल अप्लाई करेंगे आप अपने घुटनों के आसपास तो आपको उससे रिकवरी और भी फास्ट होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, अंत में मैं आपको उस मसाज ऑयल का रिवील करूंगा कि वो कौन से कॉन्कॉक्शन, वो कौन से ऑयल हैं जिसका आप इस्तेमाल करके आप अपने घुटने के दर्द को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं पूरी तरह से। सबसे पहले समझने वाली चीज ये है कि घुटने का दर्द होता क्यों है। अगर मेरी एज है 50 से ऊपर, 50, 55, 60, 70, अगर उनको देखेंगे तो उनमें ये समस्या होती है कि घुटने में दर्द है, वो काफी मसाज करते रहते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं। देखिए, एक एज के बाद घुटने में जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज एक कुशनिंग की तरह अपने घुटने बोन्स के बीच में स्थित होता है। जब भी कार्टिलेज में कोई भी किसी प्रकार की इंजरी होती है या वो घिस जाता है, उसमें कमी होती है, तब ये पेन होता है। कार्टिलेज एक अलग कुशनिंग स्टफ होता है जो घुटने के दो बोन के बीच में जुड़ा होता है। सेकंड चीज होता है मेनिस्कस टेयर। मेनिस्कस टेयर्स में भी अगर कोई दिक्कत होती है तो भी आपके घुटनों में पेन होता है। समझने वाली चीज ये है कि अगर आपके घुटनों पे जो मसल्स हैं वहां पर सराउंडिंग मसल्स वो स्ट्रेंथन नहीं होंगे, वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो आपको घुटने में पेन जरूर आएगा। तो इसलिए योग में ही इसका इलाज है कि हम कौन से आसन कर सकते हैं जिससे कि आप अपने उस दर्द को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला आसन है वो है घुटने की नी की मोबिलिटी। उसके लिए हमको क्या करना है, हम दोनों पैरों को इस तरह से सीधा कर लिए, इस तरह से आप इस तरह आराम से कंफर्टेबली भी बैठ सकते हैं, और अपने राइट नी को बेंड करके देखिए, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया मैंने इस तरह से, ये चेस्ट सीधा अपना चेस्ट को किया, सांस लेते हुए इस पैर को ऊपर करें, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर करें, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर करें, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर करें, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये आप कम से कम 6 से 7 राउंड दोनों पर एक एक पैर में करें, दूसरे पैरों को भी इस तरह से। बेसिक है, सिंपल है, और जब हम करेंगे तो आपको मिलेगा कि आप अपने नी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, दैट्स इट। ये आप दोनों तरफ करिए 5 से 7 राउंड। ये आपके नी के पास सराउंडिंग नी को स्ट्रेंथन करेगा और वहां पर नी पे मोबिलिटी आएगी। समझने वाली चीज ये है कि आपके जो नी के आसपास के जो मसल्स हैं उस पे स्ट्रेंथन होना चाहिए, तो वो नी को होल्ड करके रखेगा। दूसरा अभी अभ्यास कर चलेंगे जिसको पटेला मूवमेंट कहते हैं। ये आपका नी है, तो आप अपने अगर नी कैप को इस तरह से ऊपर नीचे लाइक उसको टाइट करें फिर ढीला छोड़ें, टाइट करें फिर ढीला छोड़ें। मैं आपको इसको दिखाता हूं कि कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये नी का मूवमेंट क्या करेंगे, इसमें हम अगर आप ध्यान से देखेंगे इस नी को, है ना, तो अगर यहां पर जूम किया है तो आप नी को देखिए, ये मैंने ऊपर किया फिर से टाइट किया, फिर टाइट किया नी कैप को, फिर छोड़ा, फिर नी कैप को टाइट किया फिर छोड़ा, नी कैप को टाइट किया फिर छोड़ा। ये हम दोनों को एक साथ कर सकते हैं। तो जैसे आप अगर ध्यान से देखेंगे मेरे नी को, तो मैं इसको टाइट कर रहा हूँ छोड़ रहा हूँ, टाइट कर रहा हूँ छोड़ रहा हूँ, टाइट कर रहा हूँ छोड़ रहा हूँ, मैंने टाइट किया छोड़ा, टाइट किया छोड़ा, टाइट किया छोड़ा। तो ये आप नी कैप को लॉक करना फिर छोड़ना, लॉक करना फिर छोड़ना, ये अगर आप करेंगे कम से कम 8 से 10 बार, तब जाकर आपको इसका फायदा होगा। चलिए, अब जो आसन हम करने वाले हैं उसे कहते हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में आपको क्या करना है, ये दोनों पैरों को इस तरह से फैला लीजिए जैसा आप मुझे देख सकते हैं। इस तरह से आप फैलाने के बाद
आप अपने राइट पैर को बाहर 90 डिग्री में इस तरह से निकाल दीजिए, बड़े कंफर्टेबल के साथ। ये कोई भी कर सकता है। अगर आपके नी में कोई दर्द है, कंफर्ट है, तो बड़ा सॉफ्ट उसको रखिए, हल्का सा आप उसे बैंड भी करके रख सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से कर लीजिए, देखिए जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करेंगे तो आपको ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। धीरे से ये मैं अपने राइट हैंड को राइट की तरफ खींचा और इस हाथ को धीरे से मैंने नीचे, थोड़ा नीचे सरकाते हुए इस हाथ को ऊपर कर दिया। अब अगर हम इस स्थिति पे रहते हैं, आप चाहे ऊपर भी दे सकते हैं या सामने भी देख सकते हैं, इस स्थिति में रहते हैं तो आपके पूरे पैरों में थोड़ी खिंचाव होती है, जिससे आपके नी पेन में ये सहायता मिलती है। 5 काउंट यहाँ पे रहें और धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाएं। सेम चीज़ दूसरी तरफ भी करें। ये देखिए मैंने क्या किया, लेफ्ट पैर को बाहर निकाला। इतना तो आई थिंक आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से सीधा करें। ये देखिए स्लाइटली टिल्ट किया और मैंने हाथों को नीचे किया और यहाँ पे ये देखिए वेरी कंफर्टेबली आप अपने आसन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वापस आ जाइए 5 काउंट करने के बाद। ऑलराइट, अभी जो दूसरा आसन करने वाले हैं उसे पार्श्वकोना आसन कहते हैं। उसे भी आपका नी जो होता है आपके ऊपर का बॉडी का वेट लेता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके नी के सराउंडिंग मसल स्ट्रेंथिंग थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, आपके थाइस मजबूत होनी चाहिए, ताकि वेट पूरा का पूरा नी पे ना जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को इस तरह से फैला लेंगे, दोनों हाथों को कमर में रखा, थोड़ा जितना कंफर्टेबल है। ये देखिए राइट फिट को मैंने बाहर निकाला और धीरे से इस तरह से नी को बैंड करें वेरी कंफर्टेबली। ये आपको मजबूती देगा आपके नी मसल्स पे। डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो वापस भले आ जाए, लेकिन थोड़ा ज़्यादा नहीं। इसको और भी चाहें तो आप इस तरह से डीप कर सकते हैं। ये देखिए दोनों हाथों को अगर फैला देंगे तो जैसा भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है उसी हिसाब से करें और फिर धीरे से आप वापस आ जाए। जैसा मैंने बताया उसी स्थिति में करें। ये देखिए इस तरह से इसे फैलाया, दोनों हाथों को इस तरह से सीधा किया और फिर वापस। चलिए अब जो नेक्स्ट आसन करने वाले हैं इसे हम कहते हैं जानू शीर्षासन। इसमें क्या करेंगे, हम दोनों पैरों को सीधा करेंगे इस तरह से। मैंने राइट नी को, राइट लेग को इस तरह से बैंड कर लिया। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर एंड सांस छोड़ते हुए सामने। अब आप कहेंगे कि भाई मैं तो सामने जा नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप किसी चुनरी का, योगा स्ट्रैप का, बेल्ट का इस्तेमाल करके इस तरह से आप बेल्ट को रखें। ये देखिए और इसे पकड़िए। आप किसी भी एज के हैं, ट्रस्ट मी, आपसे जितना हो रहा है आप उतना ही करें। कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं इसको पकड़ के मुझे हेड को नीचे लेके जाना है। जितना हो रहा है कुछ भी नहीं है, मेरे से इतना हुआ मैं यहाँ पे रहूँगा। देखिए बस स्पाइन को सीधा करें, कुछ देर रहें। 1, 2, 3, 4 और 5 बस। दूसरी तरफ भी रहें इस तरह से। अगर आप पकड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, पकड़ में नहीं आता है कोई बात नहीं, ब्लॉक का, सॉरी योगा स्ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से पकड़ सकते हैं बेल्ट का, चुनरी का। बस कोई ज़रूरी नहीं आपको बहुत नीचे तक जाना है, कुछ करना है, आप यहीं पे रहें, आपकी नी में स्ट्रेंथनिंग आएगी ही आएगी और फिर वापस आ जाए। तो इस तरह से अगर आप होल्ड करते हैं कुछ काउंट तक, ये इस तरह से आप जैसा देख सकते हैं एल्बो को थोड़ा बाहर करके, तब जाकर आपकी नी पे मजबूती आएगी और फिर वापस आ जाए। चलिए नेक्स्ट आसन है जिसे हम कहते हैं ब्रिज पोज। तो ब्रिज पोज के लिए हम लेट जाएंगे इस तरह से। नी को बेंड करके अपने हिप को धीरे से ऊपर उठाएं इस तरह से और यहां पर आप ब्लॉक का इस्तेमाल करें। एक ब्लॉक को अपने हिप के नीचे कर दें। अगर योगा ब्लॉक नहीं है आपके पास तो आप तकिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ब्लॉक रख दिया ये कंफर्टेबली और फिर यहां से अपने दोनों पैरों को इस तरह, जिसे हम बटरफ्लाई शेप कहते हैं, ये बस इस स्थिति में रहिए। तब आप पाएंगे कि आपके ब्लड फ्लो जो है पेल्विक रीजन से होते हुए नी तक जाएगी। बहुत ही कंफर्टेबल रहिएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जोर मत डालिएगा और जब आप इस स्थिति में रहेंगे तब आपको प्रभाव पड़ेगा। हार्डली आपको रहना है कुछ सेकंड के लिए, कुछ काउंट के लिए, 30 सेकंड 40 सेकंड, और जब तक आप कंफर्टेबल हैं तब तक रहिए और जब भी लगे तो फिर वापस इस तरह से आके ये सेतुबंध आसन में आप रहिए।
फिर मैंने अपने कमर को ब्लॉक पर रख दिया। अगर ब्लॉक नहीं है आपके पास तो तकिए का इस्तेमाल करिए, थोड़ा एलिवेट करके इस तरह से नी को अपने पैरों को बेंड करके बटरफ्लाई शेप में और कुछ देर तक रहिए। और फिर धीरे से वापस। तो ये आसन आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी नी पे स्ट्रेंथनिंग होने लगी है। अब जो नेक्स्ट आसन करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं सुप्त हस्त पाद अंगुष्ठासना, इससे मैं वही बेल्ट का इस्तेमाल करूंगा जिसे हम योगा बेल्ट कहते हैं। आप भी किसी कपड़े का बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बेल्ट को कपड़े को इस तरह से पकड़िए और दोनों पैरों को एक पैर को इस तरह से रखिए। देखिए पूरे स्ट्रेचिंग हो रहा है आपके पैर की रीजन में, नी रीजन पे। यही तो करना है आपको, कुछ नहीं करना है। इतना हो रहा है इतना करिए, जितना भी हो रहा है आपसे कंफर्टेबली इस स्थिति पे रहिए। अगर आप और भी डीप जा सकते हैं तो थोड़ा हेड को भी ऊपर उठा सकते हैं। अगर कंफर्टेबल है तो यहीं पे रहिए। फिर वापस दूसरा पैर। फिर वापस कंफर्टेबली थोड़ी देर रिलैक्स करें। ऑलराइट, तो नेक्स्ट आसन जो है वो है विपरीत करनी आसन का। देखिए विपरीत करनी आसन में हम पैरों को वॉल के सहारे ऊपर ले जाके रिलैक्स करेंगे। इससे ब्लड फ्लो जो होगा वो नी की तरफ जाएगा, जिससे आपके नी को स्ट्रेंथन मिलेगा। तो उसके लिए आप किसी भी वॉल के किनारे लेट जाएं, इस तरह से आप बगल में जाके अपने दोनों पैरों को ऊपर वॉल की तरफ ये कंफर्टेबली उठा के यहाँ पे रहिए। कम से कम इस स्थिति में आपको 8 से 10 मिनट तक रहना है, तब जाकर आपको उसका अनुभव होगा कि आपका ब्लड फ्लो जो होगा वो पैरों की तरफ जाएगा, जिससे आपकी नी पे चाहे आपको कार्टिलेज की समस्या हो या मेनिस्कस टेयर की समस्या हो उसमें आपको रिकवरी जरूर मिलेगी। तो इस आसन को 8 से 10 मिनट तक इसी स्थिति पे रहने के बाद फिर आप धीरे से वापस आ सकते हैं। इसी स्थिति में रहिए। और फिर धीरे से जब 8 से 10 मिनट हो जाए तो वापस आ जाए। तो जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में हमने वो सारे अभ्यास किए जो आपके नी को स्ट्रेंथन करने में, जो घुटने के दर्द में नी पेन में आपको रिलीफ करने में सहायता करेगा। इस अभ्यास को करिए और इस अभ्यास को करने के बाद आप पाएंगे कि कैसे आपके नी पेन में रिकवरी होगी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अंत में यह बताऊंगा कि वो कौन से ऑयल का इस्तेमाल करिए जिससे आपको मसाज कर सकते हैं, जिससे आपकी पेन में रिकवरी होने में फ़ायदा होगा। सबसे पहले आप ले लीजिए 1 टेबल स्पून सरसों का तेल, जिसे मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। 1 टेबल स्पून आप ले लीजिए कोकोनट ऑयल, 1 टेबल स्पून आप ले लीजिए सेसमे ऑयल, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और तीनों को मिलाने के बाद आप अपने उसे घुटने के सराउंडिंग में आसपास में लगा सकते हैं। देखिए जब भी हम जो ऑयल होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जब उस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं मसाज के लिए तब आपके ब्लड फ्लो जो होते हैं वो नी की तरफ जाएंगे, जिससे आपकी नी को स्ट्रेंथन मिलेगी। तो इस मसाज को करेंगे, रोज करेंगे, तो आपकी नी जो है वो जल्दी रिकवरी होगी, नी का जो पेन हो है वो दूर होगा। आप नटमेग ऑयल, जिसे जायफल का तेल भी कहते हैं, उस ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। तो इन सारे ऑयलों का, इन किसी भी ऑयल, देखिए आपके लिए कौन सा लाभदायक है। और भी मार्केट में अवेलेबल है बहुत सारे आयुर्वेदिक ऑयल हैं, अगर वो आपको रिकवरी दे रहा है, काम कर रहा है, तो उन चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप योग करेंगे और ये जो मैंने आसन बताया है इसको आप सीक्वेंस वाइज फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ 7 डेज में ही आपकी जो नी की पेन है वो छूट जाएगी। तो इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जिनको भी ये नी की दर्द है, जिसको भी घुटने की दर्द की समस्या है, वो उसको फॉलो कर सकें। करें, आराम से करें, ठहराव के साथ करें, तब जाकर आपको इसका लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू अदर्स ऑल्सो ताकि वो लोगों को उसका फ़ायदा हो। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्ते।